नमस्कार, वेब दुनिया समाचारों में आपका स्वागत है। पेश है आज की ताजा खबरें। जम्मू में थाने पर आतंकी हमला। फिदायीन आतंकियों ने कठुआ के राजबाग पुलिस स्टेशन पर हमला कर 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक 3 से 4 फिदायीन आज सुबह 6 बजे के करीब 2 महिंद्रा पिक वाहनों में सवार होकर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर स्थित राजबाग पुलिस स्टेशन पर पहुंचे थे और उन्होंने भीतर घुसते ही सबसे पहले गेट पर खड़े संतरी को गोली मार दी थी। इसके बाद वे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए भीतर घुसे और हमले में 2 और पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि सभी फिदायीन सेना की वर्दी में थे, इस वजह से पुलिस वाले भी उन्हें पहचान नहीं पाए थे। आईफोन पर दिल्ली पुलिस दिखाएगी हिम्मत। दिल्ली में महिला सुरक्षा के मकसद से दिल्ली पुलिस की ओर से शुरू किए गए ऐप हिम्मत का इस्तेमाल अब आईफोन रखने वाले नागरिक भी कर सकेंगे। इससे पहले यह ऐप सिर्फ एंड्रॉइड स्मार्टफोन में ही काम करता था। इसी प्रयास के तहत हिम्मत व्हाट्सएप और हाई ग्रुप नंबर 8800001091 शुरू किया गया था, ताकि महिलाएं सवार होने से पहले संबंधित ऑटो रिक्शा और टैक्सी की तस्वीर भेज सके। इस पर आपत्तिजनक तस्वीरें एवं वीडियो भेजे जाने की बाढ़ सी आ गई। पुलिस का कहना है कि आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भेजने वालों के खिलाफ मामला चलाया जाएगा। कर्नाटक के मंत्री का सवाल, सीबीआई पर कैसे करे विश्वास। आईएएस अधिकारी डीके रवि की रहस्यमयी मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर दबाव बनाए जाने पर कर्नाटक के खाद्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने भाजपा पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय एजेंसी पर कैसे विश्वास किया जा सकता है जब यह भाजपा अध्यक्ष अमित शाह द्वारा नियंत्रित होती है। राव ने ट्वीट किया कि अगर सीआईडी पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कांग्रेस द्वारा नियंत्रित होती है, तो फिर सीबीआई पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अमित शाह एंड कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है।